खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। भोपाल, मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को मानसून ने प्रदेश के सभी जिलों को कवर कर लिया है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट देखी गई है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने से भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। बारिश के चलते प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है। सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री से कम दर्ज हुआ है। वहीं ग्वालियर क्षेत्र में भी मॉनसून की एंट्री हो गई है, जहां लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। वहीं झमाझम बारिश होने से तापमान 34.6 डिग्री दर्ज किया गया। जैसा कि कल की डेट में जो है आपने देख लिया ही है कि NLM जो है अपना जो मॉनसून प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया। लगभग एक एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट के जो आपका रीवा सीधी सिंगरौली का पार्ट है वहाँ कुछ अंश उसका बहुत छूटा हुआ है, बाकी सभी जगह मानसून दस्तक दे चुका है। पूरे प्रदेश भर में मानसूनी बारिश हो रही है। वेस्ट MP में फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल मिला है, ईस्ट MP में स्कैटर्ड रेनफॉल मिला है। कई जगह पर जो है भारी और कुछ जगह जो अति भारी भी वर्षा दर्ज की गई। वेस्ट MP में जैसे इंदौर के देपालपुर है स्टेशन, वहाँ पर 148.6, मोरेना में पोरसा है 85.0, भिंड में गौरमी 70.0, आगर मालवा में बिरोड करके 65.0 और इस तरह के ईस्ट MP में भी रेनफॉल हैवी रेनफॉल मिला है। आपका छतरपुर के राजनगर में 112.4 मिलीमीटर, छिंदवाड़ा में बिछुआ है 70.6 मिलीमीटर, दमोह में पटेरा 80.6 मिलीमीटर। इस तरीके से प्रदेश भर में जो है आपको रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिला है। अभी जो सिस्टम बना हुआ है एक गुजरात के ऊपर, सेंट्रल गुजरात के ऊपर अपरिया सहिसर 4.5 किलोमीटर तक बना हुआ है। एक सेंट्रल राजस्थान के ऊपर भी अपरिया सहिसर 1.5 किलोमीटर तक बना हुआ है। और ये गुजरात के ऊपर जो सहिसर बना है वहाँ से एक ट्रफ जो है MP को क्रॉस करता हुआ वेस्ट बिहार तक जा रहा है। इसके कारण अभी आने वाले 24 घंटे में भी पूरे प्रदेश में जो है आपको रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगा। और पर्टिकुलरली जो आपका ग्वालियर शिवपुरी वगैरह है यहाँ पर आपको भारी वर्षा की देखने को मिलेगा। और ईस्ट MP में आपका जो है छतरपुर टीकमगढ़ इस एरिया में एक आध जगह हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है। चिपचिपाहट वाली गर्मी से कब तक राहत मिलेगी? अभी क्या है जो कंटिन्यूस वर्षा अभी हमें क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो है एक्टिविटी थोड़ा अभी सुस्त है इसके कारण कंटिन्यूस रेनफॉल हमें मिल नहीं रहा है जो कि मतलब चिपचिपाहट गर्मी से हमें राहत दे सके। अभी उसके लिए 2-1 दिन वेट करना पड़ेगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।